कुतुब मीनार का इतिहास और रोचक तथ्य। दोस्तों आइए जानते हैं कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है उसका इतिहास और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें ये जानने के लिए कि कुतुब मीनार का इतिहास और रोचक तथ्य क्या है। दोस्तों आपका स्वागत है सीरियसली स्ट्रेंज यूट्यूब चैनल में। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए सीरियसली स्ट्रेंज के वीडियोस सबसे पहले सिर्फ देखो पर। आइए जानते हैं कुतुब मीनार का इतिहास। कुतुब मीनार जो कि 120 मीटर ऊंची है दुनिया की सबसे बड़ी ईंटों की मीनार है और मोहाली की फतेह बुर्ज के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीनार है। प्राचीन काल से ही कुतुब मीनार का इतिहास चलता आ रहा है। कुतुब मीनार का आसपास का परिसर कुतुब कॉम्प्लेक्स से घिरा हुआ है जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली भाग में स्थापित है। ये मीनार लाल पत्थर और मार्बल से बनी हुई है। दोस्तों कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंची है जिसका डायमीटर 14.32 मीटर है और 2.75 मीटर चोटी से है। मीनार के अंदर गोल सीढ़ियां हैं, ऊंचाई तक कुल 379 सीढ़ियां हैं। कुतुब मीनार स्टेशन दिल्ली मेट्रो से सबसे करीबी स्टेशन है। 1200 एडी में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। 1220 में ऐबक के उत्तराधिकारी और पोते इल्तुमिश ने कुतुब मीनार में तीन और मंजिल शामिल कर दी। 1369 में सबसे ऊंची मंजिल पर बिजली कड़की और इससे मंजिल पूरी तरह से गिर गई थी, इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने फिर कुतुब मीनार के निर्माण का काम अपने आप कराना शुरू किया और वे हर साल दो नई मंजिल बनाते थे। उन्होंने लाल पत्थर और मार्बल से मंजिलों का निर्माण कार्य शुरू किया था। कुतुब मीनार सारी ऐतिहासिक धरोहरों से घिरा हुआ है। तो ऐतिहासिक रूप से कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए हैं। इसमें दिल्ली का आयरन पिलर, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा, द टॉम्ब ऑफ इल्युमिश, अलाई मीनार, अलाउद्दीन मदरसा, इमाम जमीन टॉम्ब शामिल है और भी दूसरी छोटी मोटी ऐतिहासिक धरोहरें शामिल हैं। दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 एडी में शुरू किया था जो उस समय दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। कुतुब मीनार को पूरा करने के लिए उत्तराधिकारी ऐबक ने उसमें तीन और मीनारें बनवाई थी। कुतुब मीनार के नाम को दिल्ली के सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया था और उसे बनाने वाला बख्तियार काकी एक सूफी संत था। कहा जाता है कि कुतुब मीनार का आर्किटेक्चर तुर्की के आने से पहले भारत में ही बनाया गया था, लेकिन कुतुब मीनार के संबंध में इतिहास में हमें कोई भी दस्तावेज नहीं मिलता है, लेकिन कथित तथ्यों के अनुसार इसे राजपूत मीनारों से प्रेरित होकर बनाया गया था। पारसी, अरबिक और नागरी भाषाओं में भी हमें कुतुब मीनार के इतिहास के कुछ अंश दिखाई देते हैं। कुतुब मीनार के संबंध में जो भी ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध है वो फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी से मिली है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी कुतुब मीनार के उत्तर में ही स्थापित है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1152 में बनवाया था। भारतीय उपमहाद्वीप की ये काफी प्राचीन मस्जिद मानी जाती है, लेकिन बाद में कुछ समय बाद इल्तुमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद का विकास किया। 1368 एडी में बिजली गिरने की वजह से मीनार की ऊपरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। इसके साथ ही फिरोज शाह ने सफेद मार्बल से दो और मंजिलों का निर्माण करवाया। 1505 में एक भूकंप की वजह से कुतुब मीनार को काफी क्षति पहुंची और क्षति को बाद में सिकंदर लोदी ने ठीक करा था। 1 अगस्त 1903 को एक और भूकंप आया और फिर से कुतुब मीनार को क्षति पहुंची, लेकिन फिर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने 1928 में इसको ठीक कराया। साथ ही कुतुब मीनार के सबसे ऊपरी भाग पर एक गुंबद भी बनवाया, लेकिन बाद में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के कहने पर इस गुंबद को हटा दिया गया और इसे कुतुब मीनार के पूर्व में लगाया गया। कुतुब मीनार की कुछ रोचक बातें बताते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं ये रोचक बातें क्या हैं।
कुतुब मीनार को सबसे ऊंचे गुंबद वाली मीनार माना जाता है। कुतुब मीनार की छठी मंजिल को 1848 में नीचे ले लिया गया था, लेकिन बाद में इसे कुतुब कॉम्प्लेक्स में ही दो अलग अलग जगहों पर स्थापित किया गया। आज इसे बने 100 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। इल्तुतमिश की ना दिखाई देने वाली कब्र एक रहस्य है, जो 1235 एडी में बनी थी और वही इल्तुतमिश की वास्तविक कब्र भी है। इस रहस्य को 1914 में खोजा गया था। यदि एक मीनार बनाना खत्म हो जाए तो वो कुतुब मीनार से भी बड़ी होगी। अलाई मीनार, ये मीनार कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंची, बड़ी और विशाल है। 1316 एडी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी और तभी से अलाई मीनार का काम रुका हुआ है। आज की नई धरोहर तकरीबन 500 साल पुरानी है। इमाम जामिन की कब्र दूसरे मुगल शासक हुमायूं ने 1538 एडी में बनवाई थी और कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ये सबसे नई धरोहर है। दोस्तों, आज आप भी कुतुब मीनार की छठी मंजिल तक जा सकते हैं। आज भी किसी को भी कुतुब मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन आज भी आप कुतुब मीनार की छठी मंजिल तक तो जा ही सकते हैं। कुतुब मीनार के एक कोने में छठी मीनार है, जो आज भी 1848 लाल पत्थरों से बनी हुई है, लेकिन फिर थोड़ी खराब दिखने की वजह से उसे हटा दिया गया था। कुतुब मीनार एक ऐसी धरोहर है जिसके अलाई दरवाजा उत्तरी भाग में है, जिसके दरवाजे हमें एक जैसे दिखाई देते हैं। धूप घड़ी का सैंडरसन से कोई संबंध नहीं। जिस इंसान ने कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स बनवाया, उसी की याद में वहां एक धूप घड़ी भी लगवाई गई है। 1910 तक कुतुब मीनार एक रास्ते में था। ये दिल्ली गुड़गांव रोड कुतुब मीनार के बीच से होकर गुजरता था। ये रास्ता इल्तुतमिश की कब्र के दाएं भाग में ही था। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली के कुतुब मीनार की रोचक जानकारी, जिसमें हमने आपको उसका इतिहास बताया और बहुत सी रोचक बातें बताई। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें जरूर लिखें। अगर आपके पास और कोई रोचक तथ्य हैं तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, सीरियसली स्ट्रेंज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे सारे वीडियोस को देख पाएंगे।